भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा में तटीय क्षेत्र में भीतरकनिका और भद्रक के घामरा के बीच तट से टकरा गया। इसकी वजह से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। तूफान की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। स्कूल कॉलेज बंद हैं, 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हैं और 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तूफान की वजह से तटीय जिले भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर और निकटवर्ती जगत सिंहपुर जिले में हवा का वेग अचानक बढ़ गया, जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई और चक्रवात के प्रभाव से बहुत भारी बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। अब तक किसी बड़े नुकसान या किसी भी हताहत की कोई खबर नहीं है। हालांकि चक्रवात के पहुंचने की प्रक्रिया 1 घंटे से अधिक समय से पहले ही शुरू हो गई थी। आईएमडी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तूफान पिछले 6 घंटों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से उत्तर उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ा और फिर केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका और भद्रक के घामरा के बीच पहुंचा। हवा की गति करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी। कई हिस्सों में जलभराव की सूचना मिली है, जिससे प्रभावित निवासियों की परेशानी और बढ़ गई है। इन क्षेत्रों में हुए नुकसान का अभी आकलन नहीं किया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि तूफान के साथ भारी बारिश हुई और शुक्रवार सुबह तक जारी रही, जिसके कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि शुक्रवार को भीषण चक्रवाती तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा तथा राज्य में आगे की दिशा में बढ़ जाएगा। चक्रवात के कारण अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होगी।